नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 870वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और देखिए, इस वीडियो में सेवन लेटर वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एल से, और ये वर्ड मीनिंग जो है दोस्तों 99 वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, जिससे कि किसी वर्ड को कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा सबसे पहले। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट होगा टेक्स्ट का। उसके बाद जो है कि आखिर ये इंग्लिश आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे। देखिए, आप कहीं से हो और कोई भी मतलब लेवल में हो, एक्चुअली ये सारे वीडियो जो है बड़े लोगों के लिए है। और अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका क्या कारण है, इस पर चर्चा होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज के देश में जो हमारे जितने भी लोग हैं, सबसे अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और आज जो है ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो नेट जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इसकी वजह से सब कुछ जो है अब आपके घर पर है। जी हाँ, तो घर पर है तो जाहिर सी बात है ऐसे में आप ज़्यादा इंग्लिश के वजह से आप बहुत सारे समस्याओं से रूबरू हो रहे होंगे, और समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे इसे पढ़ें। और सब कुछ मोबाइल पर तो हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में ही होता है। ऐसे में इंग्लिश पढ़ना या उसको मैसेज करना या लिखना, बहुत सारे चीज़ बहुत काम है। सोशल मीडिया से खासकर लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है ना, इंस्टाग्राम आजकल बहुत पॉपुलर है। तो मैसेज करना चाह रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो इस पे बात होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट पे बात करते हैं। तो शुरुआती यही है अल्फ़ाबेट। देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है इंग्लिश ग्रामर की चीज़ है, वर्णमाला जो है हिंदी व्याकरण की चीज़ है। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग भाषा का जो है ग्रामर्स की बात है। और ग्रामर क्या होता है कि ग्रामर जो है बात की चीज़ होती है, पहले जो है भाषा का विकास होता है और व्याकरण जो है बाद में आता है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी जो भाषा है उसी भाषा से निकाल कर ये ग्रामर तैयार किया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर होते हैं, जबकि वर्णमाला के अंदर जो है 50 जो है 50 में से देखेंगे कि 14 स्वर है और 36 जो है व्यंजन है। वो कैसे, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट है ABCDZ तक बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसके दो हिस्से हैं, AEIOU, ये जो है एक वोवेल है, और जो बचता है वो जो रेड में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है वो सारे के सारे हैं कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर हम लोग को सीखना है कि भाई इसका उच्चारण कितने तरह से होते हैं इसका, या इसको कैसे कैसे बुलाते हैं। उच्चारण का मतलब कि प्रोनंसिएशन, बुलाना, बोलना, कहना। अगर आप ये करेक्ट सीखते हैं तो करेक्ट उच्चारण कर पाएंगे, और जब करेक्ट उच्चारण कर पाएंगे तो आप जाहिर सी बात है सब कुछ सही सही पढ़ेंगे और स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। अब देखिए, ये 5 जो है हमारा वोवेल का पार्ट है, और ये इसके साथ एक डबल ओ भी मिला लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब इनको पढ़ने कितने तरह से पढ़ सकते हैं, आप सोचिए कितने तरह से। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको 23 तरह से इसको पढ़ सकते हैं, 23 तरह से। जैसे तो ए को 4, ई आई को 5, ओ यू को जो है 4, डबल ओ को 5 तरह से, 5 तरह से पढ़ सकते, टोटल जो है 23 है। अब जो है इसके बाद जो बचता है 21 लेटर जो क्रेड से मैंने यहाँ पर बताया, वो है कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट को सभी लोग जानते हैं कारण कि व्यंजन की वजह से, व्यंजन की संख्या क्या है ये भी बात करते हैं। तो पहले कॉन्सोनेंट देख लीजिए, यहाँ पर एक साथ कॉन्सोनेंट आ गया जो कि वोवेल को छोड़कर है। अब देखिए, ये स्वर जो है, स्वर की संख्या 14 होता है और व्यंजन की संख्या 36 होती है। बहुत सारे लोगों को हिंदी भी सीखनी होती है तो उनको समझना होगा कि स्वर व्यंजन क्या है और स्वर व्यंजन का प्रयोग कैसे करना है, नाम लिखने में करते हैं ये भी समझ में आएगा, और इंग्लिश में किसी व्यक्ति का या कुछ भी इंग्लिश के हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कैसे करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने एक सबसे बड़ा काम किया कि हिंदी भाषा को जो है, मतलब जो हमारा वर्णमाला है उसको अंग्रेजी कर पूरा तरह से अंग्रेजीकरण किया है, और ताकि सभी हिंदी के शब्दों को लिख सकें। मान लीजिए लिखना है दिस इज अ काउ, अब ठीक है, अब लिख सकते हैं दिस इज अ, थोड़ा सा इस पर नेक्स्ट क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए लिखना है दिस, ठीक है, दिस इज ए काउ। अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ए काउ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि काउ मतलब गाय है, गाय को काउ बोलते हैं। अब भाई अंग्रेज भी जानते हैं कि भाई ये जो गाय है हमारे यहाँ तो काउ बोलते हैं, चलिए उन्होंने बोल दिया दिस इज ए काउ, यह है गाय है। अब मान लीजिए ऐसे लिखते हैं कि दिस इज ए राम,
ठीक है, राम मैंने लिख दिया। अब बताइए कि दिस इज ए राम, तो ये राम क्या उनके यहाँ था, कोई था राम नाम का कोई व्यक्ति था है? या ऐसा नाम उनके मतलब जो भी यूरोपियन कंट्री थे उस समय में जहाँ से भाषा डेवलप हुई, या आज भी मतलब या अभी तो लोग रह रहे हैं लेकिन पहले के समय में नहीं था, या इस तरह के नाम वो नहीं रखते हैं, या कुछ और नाम मृत्युंजय संजय धनंजय कुछ इस तरह का नाम, तो लोग अंग्रेज लोग सुनेंगे जरूर लेकिन अगर कह दिया जाए कि धनंजय लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, उनको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, उनको भी नहीं पता था कि भाई धनंजय लिख रहे हैं, ठीक है धनंजय लिख रहे हैं तो इस तरह धनंजय लिखाता है, और इसका उनको पता ही नहीं है कि भाई धनंजय लिखा कैसे जाएगा, उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने जब यहाँ जब कदम रखा तो उन्होंने डबल अंग्रेजीकरण कर दिया स्वर का, जी हाँ स्वर का अंग्रेजीकरण कर दिया और व्यंजन का कर दिया, जिससे क्या हो गया कि सहूलियत हो गई उनको लिखने में। अब कुछ भी उनको लिखना है तो यहाँ के नाम को लिख रहे हैं, यहाँ का पता को लिख दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ये चीज़ जब आ गया तब तो अब हम लोगों ने क्या किया कि इसको ही अपनी भाषा बना लिया और लिखते हैं कि अब इसे लिखना है कि यह राम है ना, तो हम लोग लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं यह राम है, ठीक है यह राम है, ऐसे लिखते हैं यह राम है, एक नहीं एक लिखने की जरूरत नहीं, ये सब कौन व्याकरण की बात होती है तो हिंदी में ऐसा नहीं होता, यह एक राम ऐसा नहीं लिखा जाता, यह राम है। तो अब बताइए यह राम है ये मैसेज ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, अब ये कल्चर में आ गया है और मैसेज व्हाट्सअप सब कुछ इसी पर डिपेंड हो जा रहा है, तो अंग्रेजीकरण अगर नहीं होता तो वे भी नहीं लिख पाते, अब हो गया है तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस तरह से लिखना सीखेंगे। इसके लिए जो है स्वर व्यंजन का बहुत ही गहनता से आप कह सकते हैं बहुत ही प्रैक्टिस का ज़रूरत है, आप लिखेंगे और किसी का मान लीजिए धनंजय लिखना है तो भाई धनंजय लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है धनन है ना धनंजय ऐसे लिख सकते हैं जे वाई धनंजय। अब नाम लिखने भी बहुत सारी लिबर्टी ली गई है, कई जगह आकार के मतलब डबल ए के जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, बड़ी ई के जगह जो है आई का इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए सीता लिखते हैं हम लोग एस आई टी ए, जबकि सीता लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है सीता, तो अब डबल ई के जगह जो है आई का इस्तेमाल किया गया, तो ये सभी लिबर्टी है, बात हमारे समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे फास्ट बढ़ते हैं ताकि समय कम लगे और आप ज़्यादा समझें, तो चलिए दोस्तों पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। और देखिए ये वर्ड है अंग्रेजी का वर्ड है, पढ़ना क्या है तो पहले तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे उसके बाद उस पर भी बात होगा, जैसा कि मैंने कहा ये है लॉयल्टी लिखा हुआ लॉयल्टी, ठीक है जिनको नहीं पढ़ने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे कैसे लिखा गया है वो भाई चलेगा। तो 99 वर्ड देखिए लोजर डस, नेक्स्ट है लोजानस, नेक्स्ट लोजेल्स, लोजेंगे, लोजेंगी, लोजियर्स, लोजो यस, लवर्ड, लवेन, लवर्स, लफिस, लुकानिया, लुकार्ने, ल्यू के एन, ल्यूसेनस, लुसेनस, लुसेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं लुसेंस, लुसेंसी, लुसर्न, लुसंस, लुचोथ, लुसाइडर, लुसाइडली, लुसाइडस, लुसियस, लुसिफर, लुसिफिक, लुसाइड, लकीज, लकियर, लकीज, लकली, लकिंग। नेक्स्ट देखिए ल्यू क्यूमोस, लक्जक्स, लडब्रेग, लुडिज्म, लुडाइट,
लुडलैम्स, लुडलम्स, लडशिप, लडटैक्स, लडविक्स, लुवेब्स, लखनऊ। अब जानते हैं लखनऊ तो आपने सुना भी होगा, हमारा यूपी का जो है कैपिटल है लखनऊ। ल्यूबेक्स, ल्यूकेस, ल्यूडकेस, ल्यूकेंस, ल्यूटेक्स, लफिंग्स, लफकिंस, लुगांडा, लुगांस्क, लुगेइंग, लुजेंग, लगेज, लगर्स, लगीज, लगिंग्स, लघोल, लगिंग्स, लक्सेल्स, लुसियोला, लर्किंग, लरीज, आई एस को ईज बोलते हैं तो लरीज हो गया, लसाइटिया, लगबर्म, लुहांस्क, लुजानोस, लुलिबब, लुलेवी, लुलर्स, लुलिंग, लम बैगो, लम्बैंग, लम्बार्स, लम्बीज, लम्बर्स, ल्यूमेनल, ल्यूमिनल, ल्यू माइंड, ल्यूमेंस, ल्यूमिनॉल, लमीज, लमियर, लम्पेंस, लम्पर्स, लम्पियर, लर्च, लर्चर, लर्चेस, लडेन, लडेंस, लडेंस, ल्यूरेक्स, लर्जीज। यहाँ पर देखिए आई एस को ईज बोलते हैं तो जी का अलग एलर्जीज हो गया, ल्यूरिडर, ल्यूरिडर, ल्यूरिडली, लर्कर्स। दोस्तों ये जो वर्ड्स आपने देखे, ये वर्ड्स एक्चुअली ऐसा कोई वर्ड्स आप इंडिया में नहीं सुनेंगे, ये विभिन्न कंट्रियों में बोले जाने कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको कलेक्ट कर दिया गया है, और ऐसे ही वर्ड्स अब चाहे कोई भी वर्ड हो कहीं भी हो, जैसा कि मैंने बताया राम, क्या राम लिखा रहता तो क्या आप उसको कुछ और पढ़ देते? नहीं, राम ही पढ़े, आपको पता है कि भाई राम का ऐसा स्पेलिंग हो तो जब ये वर्ड्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्पेलिंग जो है एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, ऐसे हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, और चाहे कोई भी वर्ड्स हो पढ़ने तो आना चाहिए, और जब पढ़ने आएगा तो जाहिर सी बात है कोई वर्ड्स को पढ़ेंगे आप, है ना, तो पढ़ने ऐसे सीखना है। और चलिए अब जो है इंडियन स्टाइल में पढ़ते हैं कि क्या है, लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे पहले कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या गूगल पर टाइप कीजिए। अब देखिए वीडियोस हमारे हैं 1.1K, है ना, यानी कि 1100 से अधिक वीडियोस हैं। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, सबके लिए वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और डे बाई डे जो है वीडियोज़ आ रहे हैं, तरह तरह के वीडियो जो कि आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आपको संतुष्ट नहीं तो हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट, और वहाँ पर डिस्कस हो सकता है। खैर दोस्तों सब कुछ सीखे बीती जाए, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना मोटो डिक्शनरी खरीदना है, बस एक काम करना है आपको बिल्कुल फ्री है, एक कॉपी खरीद दीजिए, कलम खरीद दीजिए, एक फोटो की कॉपी होनी चाहिए। आज हमारे वीडियो को डे वन से देखना शुरू कीजिए, प्लेलिस्ट खोल लीजिए, डे वन से देखना शुरू कीजिए, उसके बाद उसको कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है। कॉपी पर जब नोट करेंगे तो एक तो लिखना आएगा, और बोल करना क्या है, बोल बोल के लिखना है तो बोलना भी आएगा, तरह तरह के सेंटेंस हो गए। आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ को बोलने के स्थिति में होंगे, हाँ प्रैक्टिस करना होगा फ्लुएंसी के लिए, ठीक है। बात करेंगे तभी बात बनेगा, अब बात करेंगे एक सिर्फ अपने में बोलेंगे तो अपने तक ही सीमित हो जाएंगे, दूसरे से बात करना सीखना होगा,
है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें आसान तरह से। तो अब देखिए इंडियन स्टाइल में ये टेक्स्ट आप समझ रहे होंगे कि वो वर्ड्स तो आप समझ में नहीं आवा कैसे कैसे स्पेलिंग था, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये वर्ड्स होते हैं। ऐसा वर्ड्स आपने पेपर में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में बहुत जगह देखे होंगे ये वर्ड्स। ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, ऐसा वर्ड्स भी बहुत कम यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे। ये सब मिल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको भी पढ़ना आना चाहिए। जिनको नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता भी है, कहीं कहीं अटक रहे हैं, तो इसका कारण क्या है इस बात को भी खोजना है। और ये सब आगे ही पता चलेगा, जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ पर देखें क्या कैसे पढ़ना है, कुछ शॉर्टकट तरीका उसको भी समझें। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में आपने नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं अंग्रेजी वर्ड बिनिंग के जो कि बार बार रिपीट हो, जैसे देखिए ई एन सी जो है एक पार्ट है, लास्ट में आया है इसलिए सफिक्स पार्ट बोलते हैं। अब जैसे ई एक्स जो है ये है शुरू में आया है उस वर्ड मीनिंग में तो इसको प्रीफिक्स बोलेंगे। ई ए सी ओ एम कम जो है ये शुरू में आया है इसको प्रीफिक्स बोलेंगे, है ना। ई एम एम जो है इसको प्रीफिक्स बोलेंगे, है ना। तो ये है, उसके बाद लास्ट में जो आएगा उसको सफिक्स, शुरू में आएगा प्रीफिक्स। ओ एन जी जो है ओ एन जी को बोलते हैं अंग, और ये है लास्ट में आया हुआ इसको बोलते हैं सफिक्स पार्ट जो बाद में आता है, प्रीफिक्स जो पहले आता है। अब कुछ बीच बीच में भी आते रहते हैं और जो कुछ नहीं आते वो भावस के थ्रू पढ़े जाते हैं मिलाकर। तो चलिए अब ये पार्ट्स इसलिए मैं कहता हूँ याद करने के, अगर पार्ट्स याद कर लेते हैं तो आपका पढ़ना इजी होता है। पहले क्या होता है कि बच्चा जो है, आप हिंदी में समझिए, क ख ग पढ़ता है, क ख ग घ ग ज्ञा तक, ठीक है, आ ही पढ़ता है, काका की पढ़ता है, बारह खड़ी सब पढ़ लेता है। उसके बाद मिलाकर पढ़ता है, जैसे कमल पढ़ा था क अकर अ म अकर अ ल, इस तरह से पढ़ता क। फिर अब थोड़ा सा बढ़ता है बच्चा, तेज हो जाता है तो बोलता क म ल। अंग्रेजी पढ़ता है तो ऐसे पढ़ता है, मान लीजिए कि दी टी एच आई एस दिस, पहले तो ऐसे पढ़ता है ए बी सी डी पढ़ते रहता है, फिर टी एच आई एस दिस ऐसे पढ़ता है ना, दिस डी एच ए टी एच ए टी डैट इस तरह से पढ़ता है। बाद में जब पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि जब ये वर्ड्स अब चल रहे हैं हमारे दिमाग में तो फिर पढ़ता है वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लाइक एन टू बैनियन ट्रीज एलिफेंट्स एंड, इस तरह से। अब ये सब धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर क्या होता है कि तेज़ी से जब ये हम पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है पढ़ना, तो मैं फिर स्पेलिंग नहीं पढ़ूंगा, मुझे दिखते मैं देख रहा हूँ बस उच्चारण कर दे रहा हूँ। जैसे आप किसी दोस्त को देखते हैं तो बस आप याद नहीं करते किसी नाम के, आप सीधा बोलते हैं रहीम राम जो भी आप नाम लेते हैं अपने फ्रेंड्स का, एक बार में बोलते हैं अपने घर में भी। अब ऐसा तो नहीं कि उसको याद करते हैं अरे क्या नाम है इसका, इस तरह से नहीं होता। तो जब पढ़ता है हिंदी कोई पढ़े या कोई इंग्लिश पढ़े तो एक बार में पढ़ता है, जी हाँ, देख कर, तभी तो तेज़ी से पढ़ पाता, नहीं तो फिर वही WEBSHAREER समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही फालतू नहीं। अगर ये आपके दिमाग में समझ में आ जाता है तो बहुत ही काम का है। एक्चुअली समझना ही तो है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं जो पढ़ पा रहे हैं अंतर क्या है, समझ का ही अंतर है, तो इसको डेवलप करना है दोस्तों। यहाँ पढ़ेंगे वी शेयर दिस प्लैनेट, अब चलिए वैसे नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा तरीका से। वी शेयर, शेयर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, शेयर ए को ए के बाद जब ई आता है यानी ए भोवेल के बाद ई भोवेल आता है तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, ना कि ए के रूप में, शेयर पढ़ रहे हैं ना कि सायर ना या सारे, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हैं। शेयर दिस प्लैनेट, अब ये सब डिसाइडेड अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया भाई किसी को शेयर, इसको दिस, इसको प्लैनेट पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अब क्यों भोवेल का उच्चारण जो मैंने बताया 23, वो 23 उच्चारण को आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर हर एक वर्ड मीनिंग इतना डिफरेंट क्यों पढ़ा जा रहा है, वहाँ पर समझेंगे आप जो कि आने वाले स्लाइड में। तो वी शेयर दिस प्लैनेट, अब यहाँ प्लै ए के बाद ई है तो प्ले नहीं, यहाँ पर प्लै पढ़ेगा प्लैनेट, प्लैनेट विद, तो कभी कभी ये भी नहीं काम करता है, ए के रूप में भी आता है प्लैनेट, ऐसा नहीं, प्लैनेट विद मिलियंस, मिलियंस ऑफ अदर, ई आर कर बोलते टी लगा टी एच लगा दर हो गया अदर लिविंग आयन जो कि बोलते लिविंग विंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो, है का उच्चारण आई के रूप में हुआ माइक्रो और गै निज मायासम को इसमें बोलते हैं एंड बैक्टेरिया लाइकेंस टू बैनियन ट्रीज एलिफेंट्स एंड ब्लू वेल्स दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज ई
इमेंस बायोडाइवर्सिटी वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एआरटी क्वाड बोलते हैं, पी लगा पार्ट हो गया एंड वेरी मच यू को आ यहाँ पढ़ा गया इसलिए, नहीं तो जो शुरुआती पढ़ेंगे एम यू से मुंह पढ़ देंगे ना, आ क्यों पढ़े यू से तो यू उच्चारण करेंगे तो एम यू मुंह हो जाता है, जबकि यहाँ आ पढ़ा जाता है, ये भी पता चलेगा आगे। मच डिपेंड ई एन क्वेंट बोलते हैं, पी लगा पेन, डी ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, डी लगा डेंट, डिपेंड ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल्स द प्लैनेट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द इक्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीद द वाटर वी ड्रिंक। एयर को बोल दे टी लगा टर हो गया, वाटर हो गया, ब्रीद हो गया, एंड द सॉइल दैट प्रो ड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग विंग्स डिपेंड्स, है ना। तो इस चीज़ को समझिए कैसे पढ़ा गया है। अब चलिए आगे बात करते हैं, और हमेशा आपके दिमाग में जो है वोवेल्स रहना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो वोवेल्स, देखिए ए को कितने तरह बोलते हैं, तो अ आ ए ऐ, ई को कितने तरह बोलते हैं, अ आ ई ई ए, आई को कितने तरह से बोलते हैं, तो अ आ ई ई आई, ओ को कितने तरह से बोलते हैं, अ आ उ ओ, यू को कितने तरह से बोलते हैं, अ आ उ यू, डबल ओ कितने तरह से बोलते हैं, अ आ उ और ओ और उ। तो ये वर्ड मीनिंग में ये सभी वर्ड डिफरेंट हो रहे हैं इसी वजह से, कहीं अ बोल दिया जा रहा है, कहीं किसी वर्ड मीनिंग में कहीं आ, कहीं ए, कहीं ऐ, तो ये मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे क्यों बोला जा रहा है। अब चलिए जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड्स मैंने लिए हैं, आपको क्या करना है कि सारा वोवेल्स याद कर लेने हैं कि कौन कौन सा वर्ड में कौन कौन सा होता है। जैसे अब चेक करना, मैं यहाँ सिंगल बताऊंगा, लेकिन आपको एक साथ सारे वोवेल्स का मतलब जो है यूज़ करना है एक वर्ड मीनिंग में। जैसे यहाँ ओ है तो ओ का भी करेंगे, ए का भी करेंगे, लेकिन पहले सिंगल समझिए कि ए को आ बोल रहे हैं, कंपनी में ए को आ बोल रहे हैं, आ सॉल्ट में ए को क्या बोल रहे हैं, आ आ, केयर में ए को क्या बोल रहे हैं, ए, मैप में ए को क्या बोल रहे हैं, ऐ। तो दोस्तों अगर आप ये सब समझ रहे हैं, आज के ज़माने में बिना इंग्लिश से कुछ होने वाला नहीं है, तो बस आप बहुत ध्यान से देखिए, चाहे कोई भी हो कहीं भी हो, बहुत ज़रूरी इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना, और थोड़ा समय दीजिए सब कुछ हो जाएगा। अब ये क्यों ऐसा क्यों, आखिर सभी में अलग अलग पढ़ा गया तभी तो अलग अलग हुआ है ना। अब इसे ई वाला देखिए, ये दो ई है, एक ई यहाँ एक ई यहाँ है, तो पहला ई को जो है दोस्तों, पहला ई को आ पढ़ा गया है, आ है ना यहाँ पर, दूसरा ई जो है उसको ए पढ़ा गया है, तभी तो पढ़ते हैं परफेक्ट। और यहाँ पढ़ा प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, लिखा भी है मैंने प्रीफिक्स, तो छोटी को छोटी, और जाहिर सी बात है टेन में जो ई है उसको ए पढ़ रहे हैं, छोटी बड़ी एक ही बात है, समझ सकते हैं। एस आई सर में आई को क्या पढ़ रहे हैं, तो आई को आ पढ़ रहे हैं, पिग में आई को क्या पढ़ रहे हैं, पिग में आई को जो है छोटी पढ़ रहे हैं, और टीन में आई को क्या पढ़ रहे हैं, तो बड़ी, ये सब लिबर्टी ली गई है। लाइन में आई को भाई बोलने में ऐसा, लिखने में ऐसा नहीं होता, बोलने में सिर्फ इस तरह का हो रहा है, लाइन में आई का उच्चारण आई हो रहा है, लाइन। एस वेंसन में ओ का क्या पढ़ रहे हैं, ओ को अ पढ़ रहे हैं, एस वेंसन अ, ओ यू टी आउट में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, आ आउट, एम डबल एन मून में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं, आई एम डबल ओ एम ओ डबल टी ओ, ओ क्या पढ़ते हैं, ओ मोटो, बी यू टी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, आ, पी यू टी पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, ऊ, टी यून में यू को क्या पढ़ रहे हैं, ई यू, है ना, एफ एल डब्ल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ फ्लड, एल डब्ल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है। अब ये सब भला
कैसे, क्यों ऐसा करने का जरूरत है, सोचने की बात है दोस्तों। इसलिए कि आपको जब पता चल जाएगा कि भाई इस तरह से उच्चारण हो रहा है तो आप आगे भी तो उच्चारण इसी तरह से करेंगे। सही सही, तो करना क्या है आपको कि 200 वर्ड मीनिंग ले लीजिए और 200 वर्ड मीनिंग को जो है 10 दिनों में जो है कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से। देखिए सावधानी क्या बरतना है, और कि जो वर्ड मीनिंग लेंगे 200 वो ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो कि आपको उच्चारण सही आते होंगे, स्पेलिंग भी करेक्ट आपको पता हो, उसका उच्चारण भी पता हो। कॉपी पे लिख लीजिए, कोई भी वर्ड ले सकते हैं, CUP का, COW का, PEN पेन, बड़ा छोटा कुछ भी ले लीजिए और ऐसा ही प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैंने किया है। 11वें दिन आप देखेंगे कि भाई प्रैक्टिस का क्या आपको जो है बेनिफिट्स होने वाले हैं। ऐसा बेनिफिट्स कि आप कोई भी वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, जैसे कि हिंदी में कुछ पढ़ लेते हैं कुछ लिख लेते हैं, उसी तरह इसका भी हो जाएगा। इंग्लिश में कुछ ही पढ़ लेंगे कुछ भी लिख लेंगे, स्पेलिंग की भी ज़रूरत नहीं होगा, झंझट भी नहीं, याद भी हो जाएंगे स्पेलिंग ईजिली, एक बार देखते हैं स्पेलिंग भी याद हो जाने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत से बहुत। एक और बात, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिले, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर और यहाँ पर है, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ पर, चैनल देखिए चैनल का प्लेलिस्ट यहाँ पर है। दोस्तों सोच समझ कर जो है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो बचता है दोस्तों हमारा अल्फ़ाबेट और जो है अल्फ़ाबेट और वर्णमाला, इन दोनों पर डिस्कशन पहले हो चुके हैं, मैंने वहाँ जो बताया आपको, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा कि भाई वाकई में क्या है ये। बस याद करने से नहीं, उसका प्रयोग करिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में तक, धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।